वेलकम बैक गाइस, टेक स्काई के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपना सेटअप टूर दिखाने वाला हूं कि कैसे मैं एट प्रेजेंट अपने यूट्यूब के वीडियोस को बनाता हूं, कैसा सेटअप लगाता हूं और कैसे अपने वीडियोस को शूट करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियोस बनाया है कि हाउ आई स्टार्टेड यूट्यूब वीडियोस और आप लोगों को क्या क्या चाहिए यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, कुछ भी नहीं, तो वो वीडियो भी जरूर देखिए आप लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आज मैं आपको अपना जुगाड़ू जो सेटअप है वो दिखाने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले तो और ज्यादा जुगाड़ू था, अब तो थोड़ा ठीक ठाक हम बना लेते हैं वीडियोस, तो उसके बारे में आपको पूरी आइडिया नॉलेज मिल जाएगी कि जो लोग अभी यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसा उनका सेटअप रह सकता है, कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। अगर आज आपने सोचा YouTube वीडियो स्टार्ट करना तो आज के आज एक वीडियो बना लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक स्काई। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है हमारा द्रौपदी का बहुत ही बड़ा ग्रीन स्क्रीन। इतना बड़ा है कि अगर आपने इसे एक बार ओपन कर लिया तो इसको फोल्ड करते करते आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने पेपर चिटका के यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का सेटअप लगाया था। उसके बाद में जैसे हमारी पहली अर्निंग आई तो 350 रुपीज़ का हमने ये बहुत ही बड़ा ग्रीन स्क्रीन खरीदा है। बहुत बड़ा, यहाँ से शुरू करूँगा तो वहाँ तक जाता है पूरा, लेकिन उतनी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उतना अगर आप नहीं भी सेटअप करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे बहुत ही इजीली सेटअप करता हूँ। तो ये जो है ग्रीन स्क्रीन, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करता हूँ। ये है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंगर, इसके ऊपर ग्रीन स्क्रीन को मैं ऐसे लगाता हूँ और कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ग्रीन स्क्रीन सेटअप। बहुत ही कम समय में, बहुत ही इजी वे में मैंने अपना ग्रीन स्क्रीन जो है वो सेटअप कर लिया। इसको थोड़ा बहुत हम स्ट्रेच कर लेते हैं, नीचे से कुछ पिलो लगा के मैं थोड़ा इसको टाइट कर लेता हूँ। और सबसे बुरा जो मेरे साथ इशू है वो ये है कि मेरी लाइटिंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। इसके लिए आपको जो ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती है मेरे वीडियोज़ में। हालांकि मैंने एक एक्स्ट्रा बल्ब और लेके आए हैं लगाने के लिए, ताकि अभी जगह नहीं मिल रहा है कहाँ उसको सेटअप करूँ। तो जैसे ही वो सेटअप हो जाएगा तो शायद लाइटिंग कंडीशन थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाए, उस वजह से मैं फिर थोड़े ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग अच्छे से कर सकता हूँ। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और सेटअप शुरू करूँ, ग्रीन स्क्रीन को हटा के कुछ ऐसा सेटअप रख लूँ कि जो परमानेंट हो, या फिर बैनर बना लूँ या फिर कोई बोर्ड या पर्दा लगा लूँ, तो मुझे बार बार ग्रीन स्क्रीन एडिट करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि ग्रीन स्क्रीन एडिट करने में मेरा बहुत समय निकल जाता है, उसको एडिट करने में, परफेक्शन में आने में, फिर भी परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मेरा काफी ज्यादा समय जो है वो ग्रीन स्क्रीन को एडिट करते में निकल जाता है। तो आप लोग मुझे एडवाइस करिए, मेरे 7,000 सब्सक्राइबर्स लोग, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार वालों, कि आप लोग मुझे एडवाइस करिए कि ग्रीन स्क्रीन पे एडिट करना ठीक रहेगा या फिर मैं कुछ बैनर बनवा लूँ या परमानेंट सेटअप रख लूँ अपने बैकग्राउंड में, ताकि मुझे ग्रीन स्क्रीन से छुटकारा मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, ये तो था मेरा ग्रीन स्क्रीन सेटअप। मैंने आपको बता दिया ऐसे मैं सेटअप करता हूँ। लाइटिंग कंडीशन के लिए एक ही बल्ब है मेरे पास और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है मेरा विंडो, तो विंडो से भी काफी बहुत हेल्प हो जाती है कि इससे भी काफी ज्यादा लाइट जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ता है, ये वाले साइड पार्ट में कुछ लाइटिंग ज्यादा आती है और ये वाले पार्ट में लाइटिंग थोड़ी कम हो जाती है। इसके वजह से ग्रीन स्क्रीन का जो परफेक्शन है वो हट जाता है और हम अच्छे से एडिट नहीं कर पाते हैं। ये है हमारा ट्राईपॉड, इस पे हम अपने मोबाइल को रख के शूट करते हैं। आप देख सकते हैं फोर्ट्रॉन का स्टेडी 450, इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया, अगर आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। सेटअप खत्म। और अभी जिससे रिकॉर्ड हो रहा है वो है हमारा प्रोफेशनल कैमरा, सैमसंग का S7 Edge। बस हमें अब इन तीन चीज़ों से आगे और कुछ भी चीज़ें नहीं लगती, एक तो मेरा मोबाइल, दूसरा मेरा ट्राईपॉड, तीसरा मेरा ग्रीन स्क्रीन। तो बस हम ये तीन चीज़ों के साथ अभी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक माइक भी ऑर्डर किया था अपने लिए, मैंने कुछ टाइम तक वो माइक से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन मेरे S7 Edge में वो माइक सपोर्ट नहीं कर रहा था। कोई 300-400 रुपये का माइक था, मैंने अमेजन से मंगाया था, लेकिन वो इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि मेरे बात करने के अलावा सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड कर लेता था और खर खर फर फर खर खर इतनी आवाज़ आती थी कि मैंने उसको उठा के रिटर्न कर दिया अमेजन पे। अमेजन ने बोला कि भाई आप ईयर माइक भी रख लो, पैसे भी रख लो, मुझे चाहिए नहीं। तो वो जो माइक था वो उठा के मैंने फेंक दिया, बिल्कुल भी कुछ भी यूज़लेस था, कुछ काम का नहीं था।
तो अभी अगर हमारा यूट्यूब का तो पेमेंट है वो आता है, तो डेफिनेटली हम एक माइक खरीदेंगे 1500-2000 रुपये के करीब में, ताकि जो शोर शराबे आपको यहाँ पे मेरे वीडियोस में मिलते हैं वो तो थोड़े कम हो जाए, और अच्छे से जो हम बोलते हैं वो आपको साफ साफ सुनाई दे पाए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सेटअप सा बनाएं, और एक अच्छा सा नए तरीके से नए साल में नया वीडियो देने की पूरी कोशिश करें। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये जो पहले, अगर मैं पहले की बात करूं तो ये सब जो तामझाम आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं था। मैं मोबाइल को एक टेबल पे खड़ा करके अपने वीडियोस को शूट करता था। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, एक मिनट, हमारी इम्पोर्टेंट चेयर। तो इस तरीके से हम बैठ के चेयर पे, अपनी लग्जरी जो लोखंड वाली चेयर है उसके ऊपर बैठ के आराम से वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा टाइम तक खड़े रहने का, क्योंकि यहाँ पे इतने शोर होते हैं, इतने शोर होते हैं कि जैसे ही शोर शराबा बंद होता है वैसे ही मैं बोलना चालू करता हूँ, फिर जैसे ही शोर चालू होता है मैं बोलना बंद कर देता हूँ। तो ऐसे बैठे बैठे तकरीबन अगर आप जो 5 मिनट या 6 मिनट का वीडियो देखते हैं तो वो मुझे शूट करने के लिए आधा घंटा या 45 मिनट्स भी कभी कभी लग जाता है, कभी कभी 1 घंटे भी लगे हैं मेरे को 5 से 10 मिनट के वीडियोस बनाने के लिए, यही शोर शराबे की वजह से। आज तो थोड़ी शांति है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो ये था दोस्तों मेरा कुछ बहुत ही अनयूजुअल सा यूजुअल सेटअप, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं। हमारे लिए तो परफेक्शन, इसी परफेक्शन तो नहीं है लेकिन फिर भी एक जुगाड़ टाइप में, हर हिंदुस्तानी को जुगाड़ करना तो ज़रूर से आता है। तो इस तरीके का जुगाड़ आप भी सेटअप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डेफिनेटली यूट्यूब पे आके वीडियोस बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए, उस उन लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों मेरा जुगाड़ वाला सेटअप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहले तो मैं पेपर रख के, पेपर चिपका के यहाँ पे शूटिंग करता था, उसके बाद में मैंने ये द्रौपदी का पर्दा खरीदा ग्रीन स्क्रीन वाला, उसके बाद में मैंने ये फोट्रोन का ट्राईपॉड खरीदा। तो धीरे धीरे ऐसे हम इम्प्रूव हो रहे हैं। और जिन लोगों को जानना है कि मेरी पेमेंट कितनी आई है, तो अब तक की मेरी पेमेंट आई है 6800 रुपये, पहली पेमेंट यूट्यूब की जो आई है, सेकेंड पेमेंट अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आएगी तो एक माइक खरीदेंगे और कुछ अच्छा बैनर वैनर लगा के, अगर आप एडवाइस करते हैं तो दोस्तों प्लीज़ एडवाइस करना ना भूलिए, ग्रीन स्क्रीन या फिर बैनर या फिर कुछ नया पर्दा वर्दा जो फिक्स रहे। और ग्रीन स्क्रीन अगर आप नहीं देखना चाहते तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर ग्रीन स्क्रीन के साथ देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं लाइट वाइट लगा के थोड़ी और इम्प्रूवमेंट के साथ में आपको बना के दे दूंगा वीडियो। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो एक लाइक करिए, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए, लेकिन ईमानदारी से, पैसे कमाने के चक्कर में नहीं, बस अगर पैशन है, अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आइए करिए। पैसे के हिसाब से सोच के आएंगे कि लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, धीरे धीरे ग्रो होगा तो जितनी आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे अलविदा लेते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ आपको समझना है तो वो अच्छे वे में मैं समझाने की पूरी कोशिश आप लोगों को कर सकता हूँ। टिल देन दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।